20 साल बाद का एक सिनेरियो अज्यूम करते हैं कि 20 साल के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है वो बंद हो गई है, क्योंकि तब जो स्टार्स होंगे उन सबको हॉलीवुड में काम करना है, सबको काम मिल भी रहा है। तो अभी के जो स्टार्स हैं उनका क्या हाल होगा? उनके पास काम करने को कुछ होगा नहीं, वो तो सब वेले हैं। तो ये लोग सोच रहे हैं कि काम करने जाए कहाँ। अब फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट तो हमारा गुजरात है, तो ये सारे के सारे स्टार जो है वो गुजरात आ रहे हैं काम ढूंढने के लिए। और गुजरात में सबसे बड़े मिलियनर हैं एक गुजराती, करसन भाई। अब उनको कुछ आता वाता है नहीं, उनके पास बहुत जमीन है, बहुत पैसा है उनके पास, और बड़ी सी कंपनी खोल के रखी है उन्होंने कंस्ट्रक्शन की, बड़े बड़े खेत है बेसिकली, उनके पास जमीन है बहुत है, एकदम अंगूठा अच्छा आदमी है। और एक एक करके स्टार्स आ रहे हैं उनके पास काम मांगने के लिए। अगर वो इंटरव्यू ले रहे हो और स्टार्स अंदर एंटर हो रहे हो तो सिनेरियो कैसा होगा? सबसे पहले दरवाजा खोलकर रूम में एंटर हुए हमारे सलमान खान साहब। स्वागत नहीं करोगे हमारा? क्यों स्वागत करे भाई तुम्हारा, ये तुम्हारा सरनेम क्या मोदी है? अबे ओए, हम सलमान है, सलमान। सलमान कौन सलमान, पर वो तो बताओ मेरे को, पता चले ना भाई। अबे ओए, हम सलमान सुपरस्टार सलीम के बेटे। सलीम वो ऐसे अनारकली वाले सलीम? हाय बाप, तो तुम्हारा उम्र कितना होगा? आई मीन वो तो मैरिड भी नहीं थे अनारकली, तुम आए कहाँ से? अबे ओए, अकल के आने के लिए शक्ल के बिगड़ने का इंतजार मत करो। अच्छा सकल, यानी तुम तो ब्यूटी पार्लर वाले हो यार, मैं अभी ये उम्र में किधर से आईब्रो वाइब्रो ने अपर लिप्स करूंगा। मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना तुम्हारी बॉडी में इतने छेद करूंगा, इतने छेद करूंगा। छेद या भाई, पहले बोलो ना कि तुम तो प्लम्बर हो, तो चले जाओ ऊपर वाली टंकी में, ऐसे बहुत बड़े बड़े छेद हो गए ना, वहां से पानी टपकता है। ओके थैंक यू वेरी मच भाई, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो है वो आ रहे हैं अक्षय कुमार साहब। ए, क्यों थक रहा है या बाप? अभी तुम ये तुम कर रहे हो, थके हुए तुम लग रहे हो, मेरे को बोल रहे हो? अबे ओए, ये मेरा स्टाइल है, स्टाइल, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो तो मैं डेफिनेटली करता हूँ। क्या बात है, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। और मेरे को ऐसे ही बंदे चाहिए थे जो बिना बोले सब काम कर ले। अभी क्या बताया, तुम्हारा नाम क्या है भाई? मेरा नाम है राजीव भाटिया, राजीव भाटिया। क्या बात है, तुम राजीव भाटिया ने हमारे गुजरात में फेमस गांठिया। एनीवेज तुम काम क्या करते हो भैया, वो तो बताओ मेरे को। अपने को क्या है, अपने को तो पानी निकालना है। क्या बात है, तुम मेरे खेत में काम लगोगे? हमारे बड़े बड़े ऐसे खेत होते हैं ना, फील्ड, उधर क्या करने का तुमको ऐसा जाने का? वहां पर है ना कुएं में से ऐसा पानी निकालने का, फिर टैंकर में भरने का, फिर टैंकर में से पानी निकालने का, फिर उसको जाके खेतों में भरने का। तुम यार ना मेरे लिए माली बन जाओ, तुम परफेक्ट हो भाई। अब यार बच्चे की जान ले, क्या माली बनाएगा तू मुझे? बच्चा ऐसा 6 फुट का बच्चा किसी के पिताजी ने देखा है जीवन में? हाय बाप, तेरे को नौकरी पे रखूंगा ना, चाइल्ड लेबर में चला जाऊंगा भाई, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आ रहे हैं ऋतिक रोशन साहब, उनके टिपिकल स्टाइल में एकदम फास्ट फास्ट एंटर हो रहे हो। वो 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 अमेजिंग यार, जस्ट अमेजिंग, फैंटास्टिक, आई जस्ट लव गुजरातीज यार, गुजराती ज्यादा सुपर यार। हो गया तू मेरा, ऐसा ऐसा कर लिया तुमने, अभी बताओ तुम वो कौन, वो तो बताओ। आई एम क्रिश यार, आई एम सुपर हीरो। वो करीस तो, हाँ मेरा छोटा बच्चा देखता है ऐसा, वो काला कपड़ा पहन के तुम ऐसा ऐसा उड़ते हो इधर से उधर से, ठेकड़ा ने कूद का वो सब मारते, तुम वही हो ना? मैं वही हूँ। ओके ओके, तो तुम क्या करते क्या हो ऐसे? आई कैन सिंग, आई कैन डांस, आई कैन एक्ट, आई कैन फ्लाई। ओके ओके, नहीं मतलब काम क्या करते हो? दिस इज व्हाट आई डू मैन, दिस इज व्हाट आई डू। अच्छा अच्छा, तो मतलब तुम तो यार सेलिब्रेशन मोड वाले बंदे हो, मतलब फेस्टिवल के टाइम पे आओ, बिकॉज इफ यू फ्लाई तो तुम मेरे काम लगोगे उत्तरायण में, जब ऐसे पतंग चौगाएगी ना, तुम्हारे पतंग कट जाएगा, तो यू हैव टू गो फ्लाई एंड सेव माय काइट एंड कम बैक। या आई कैन डू दैट, काइट्स का तो मेरा ऐसे नहीं बहुत ही घटिया अनुभव रहा है, बट आई कैन सेव काइट्स। गुड गुड, वेरी गुड। अभी तुम एक काम करो, अभी नवरात्रि में भी आओ, तुमको डांस आता है ना, तो डांस का ऐसा प्रोग्राम तुम्हारा रखेंगे, ऐसा गरबा वरबा करना, तुम गा सकते हो गरबे? आई कैन सिंग के ढोली थारो ढोल बाजे, ढोल बाजे धम धम बाजे ढोल के धम धम बाजे ढोल। सुपर सुपर भाई, तुम एकदम फिट हो हमारे लिए, थैंक यू सो मच भाई गवैया, तुम्हें मिलेंगे हम सेलिब्रेशन के टाइम पे, नेक्स्ट। नेक्स्ट आ रहे हैं रणबीर कपूर साहब। हाय काका। हाँ पर कौन हो तुम, वो तो बताओ। आई एम आरके फ्रॉम रॉय। क्या 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 नाम सुनाई नहीं दिया, क्या तुम राहुल रॉय? क्या बात है यार, तुम्हारा आशिकी पिक्चर तो मैंने देखा था, इतना बड़ा फैन हूँ मैं राहुल रॉय का, तो पर तुमने बाल क्यों कटवा दिए? नहीं नहीं काका,
रॉय मेरी मूवी यू नो बर्फी। ना बापा मेरे को डायबिटीज है क्या, बर्फी मरवाएगा तू? नहीं नहीं काका यू नो बेशरम बेशरम। वो तो तुम शक्ल से ही लगते हो मेरे को बेशरम। अरे यार काका मतलब तुमको जानते नहीं हो कि मतलब क्या बताऊं यू नो कैट। कैट आई नो ऑफ कोर्स आई नो कैट। कैट यानी बिल्ली। नहीं नहीं वो बिल्ली नहीं, कैट इज माय गर्लफ्रेंड, आई लव हर। यू लव कैट? हाय बाप, वी हियर हैव बफेलोज एंड काउज, ऐसा खेतों में जाने का भी उनको ऐसा ऐसा करके चराने का, फिर वो ऐसा ठपाक करके गिराएंगे, ऐसा ऐसा करके दीवार पे लगाने का, एंड यू आर सो हैंडसम बॉय एंड यू लव कैट, यू विल नॉट डू ऑल दिस। भाई माफ करो जय श्री कृष्ण। भाई हु इज नेक्स्ट यार, मैं तो कंटर गया, कोई आता ही नहीं है यार। नेक्स्ट आ रहे फरहान अख्तर। हेलो सर। हेलो, क्या बात है भाई, रानी मुखर्जी के भाई हो? क्यों सर, शक्ल मिलती है? अरे शक्ल नहीं मिलती भाई, तुम्हारा कुकरा क्या बोलती है इसको, ऐसा आवाज वो मिलता है तुम्हारा उनके साथ। चाचा अभी छोड़िए ना, वो गले वाले की बात छोड़िए, मेरा नाम है फरहान। फरहान? तुम फरहान हो ना, हमारे गुजरात के अंदर यहाँ पे फरसान होते हैं, क्या करते हो तो बताओ बेटा। फरहान मैं लिखता हूँ, बहुत कुछ लिखता हूँ मैं। तो तुम लिखते हो तो इधर क्या तुमको कैसे गांठिए का ऑर्डर लिखा हो, इधर काम क्या करोगे वो तो बताओ। आई डू मार्केटिंग, गुजरातियों को बहुत करीबी से जानता हूँ मैं, तो मैं ऐसे जाके उनसे बात कर सकता हूँ, और यू नो आई कैन राइट पोएट्रीज ऑन देम, आई कैन कन्विंस देम। पोएट्री? कविता? क्या लिखी तुमने कविता वो तो बताओ। गुजरातियों पे लिखा है कि भाई दिलों में नेकोर से ज्यादा टर्नओवर की भावना लेकर चलते हो तो गुज्जू हो तुम, अगर बियर के ग्लास में छाछ भर के चीयर्स करते हो तो गुज्जू हो तुम, और अगर 1/2 टोमेटो सूप चार हिस्सों में बटवा कर 5 लोग पीते हो तो गुज्जू हो तुम, और अगर अबे चुप हो जा, अगर अगर वाले इतना ज्यादा गुजराती पे बोल मत, मैं बोलूंगा अभी एक बात कि अगर चाय बनाने वाला इंसान पूरा देश चलाने का ख्वाब देख सकता है, हौसला रख सकता है और बन सकता है तो गुज्जू हो तुम, समझे? ऑल दी गुज्जूज आउट देयर, थैंक यू सो मच, दिस इज फ्रॉम माय साइड, लव यू ऑल।